बिल्कुल नहीं। जैन अनुयायियों को ऐसे कर्मकांड शोभा नहीं देते हैं। जैन धर्म तो हमें ये सिखाता है कि जो कर्म हम पूर्व जन्म में कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कर्मों का शुभ फल और पाप कर्मों का अशुभ। सही कहा सपना। कर्मों के फलों से तो तीन लोग के नाक तीर्थंकर भी नहीं बच पाए। कर्मों के उदय को तो उन्हें भी भोगना पड़ा है।